नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में माइनरों में पानी नहीं, कैसे हो धान की रोपाई। फसल उपज में भी होने लगा है विलंब। पानी की समस्या से जूझ रहे किसान मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से माइनरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सीतापुर के ब्लॉक पहला की कई ग्राम पंचायतों में छोटी बड़ी माइनरों में लगभग 10 वर्षों से पानी नहीं छोड़ा गया। परेशान किसान बोरिंग पर इंजन बांधने पर मजबूर हैं, लेकिन बोरिंग से भी पानी नहीं निकल रहा है। बोरिंग की खाई में इंजन उतारते समय मौत का सामना करना पड़ जाता है। इन सभी समस्याओं से जूझ रहे किसानों ने सरकार से फरियाद लगाकर अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की अपील की है, मगर कोई भी किसानों के दर्द को सुनने वाला नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। तो आप जो खेत में मतलब फावड़ा चला रहे हो, तो ये मतलब धान वाला लगाओगे क्या? तो पानी वानी जो भरे हो कैसे भरे हो? बोरिंग से भरे हो? तो मतलब बोरिंग से भरे हो तो इंजन इंजन बांध के मतलब पानी निकाल रहे हो बोरिंग से? अच्छा, तो आपके खेत के पास तो माइनर निकली है, इसमें पानी वानी नहीं आ रहा? लगभग कितने दिन से नहीं आ रहा है? 30 साल हो गए पानी वानी नहीं आ रहा। तो आप लोग कोई मतलब अधिकारी से शिकायत उगर नहीं किए हो? शिकायत नहीं, कोई सुनता है नहीं है। अच्छा, कोई सुन ही नहीं रहा है, मतलब किसान हो कि कोई सुनने वाला ही नहीं। तो आप लोग फिर बड़ी मेहनत से मतलब फसल वसल की उपज कर पाते हैं? अरे खून पसीना गलाई उनका। अच्छा, ये माइनर जो निकली है कौन से क्षेत्र में पड़ती है? ये पड़ती है सिर्फ कौन से क्षेत्र में पड़ती है दादा? ब्लॉक पहला मजरा सिरौली पुरवा। अच्छा, मतलब ब्लॉक पहला के क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरौली के आसपास यह है। तो जैसे नहर में पानी आ जाए माइनर में तो किसानों को लाभ मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थानीय 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आरिका 105वीं काम्या श्री माता जी का पावन वर्षायोग कलश स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गुप्त ने संबोधित करते हुए कहा कि जैन धर्म में त्याग और अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यक्रम का शुभारम्भ ध्वजारोहण से किया गया। वहीं आरिका विकाम्या श्री ने प्रवचन देते हुए भक्तों को आशीर्वाद दिया व होने वाले चतुर्मास का महत्व बताया। मंच का संचालन ब्रह्मचारी आशीष जैन ने किया। समस्त कार्यक्रम पंचगठित कमेटी ने बखूबी निभाते हुए समस्त लोगों का अभिवादन किया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। जनपद लखीमपुर खीरी में थाना सिगाही क्षेत्र के उमरा गांव में उत्तर दिशा में जामुन के पेड़ पर अधेड़ का शव पाया गया। शव की पहचान महावीर पुत्र दुन्नू निवासी उमरा थाना सिगाही जिला खीरी के रूप में की गई। परिवारी जनों के मुताबिक मृतक अविवाहित था। गांव वालों की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी अजय राय ने बताया कि शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। कब से लापता थे सर? सुबह से। तो कोई विवाद या आपसी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला कोई मामला तो नहीं? ऐसा नहीं है सर, आराम से कल खाना वाना खाए थे, लेटे थे साथ में सर। अच्छा, तो आज सुबह निकलेंगे जी सर। जौनपुर के बदलापुर चौराहा इंदिरा चौक पर सपा नेता आशीष मुलायम के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जनपद कानपुर में क्षेत्राधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मी को गोली मारकर हत्या किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में पुतला दहन करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान मौके पर कोतवाल विजय कुमार चौरसिया वहां पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर पुतला दहन करने से रोक दिया। बता दें कि करीब आधे घंटे तक चली नोकझोंक के पश्चात राज्यपाल संबोधित मार्गों पर उप जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं छात्र नेता ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त दिखाई दे रही और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं।
बलात्कार, लूट, हत्या, छिनौती जैसी कई घटनाएं हो रही हैं। अपराधियों के अंदर कोई भी कानून का डर नहीं है। इसका ताजा उदाहरण कानपुर की घटना, हौसला बुलंद करके अपराधियों द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उपस्थित सपा कार्यकर्ता नीलेश यादव, जितेंद्र प्रताप मौर्य, संदीप कुमार पाल, शुभम यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए केडी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।